इससे तो नहीं टर्न कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माशाल्लाह से सब कुछ जा रहा है। तो इधर मैं आ जा रही थी एक नया मॉल, तो वही था कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, थोड़ा सा रियाद दिखाऊँ। घर की रूटीन तो दोस्त चलती रहती है। तो खैर, बस रियाद गैलरी आए थे और जो बिल्कुल स्टार्ट में इनकी सबसे क्यूट शॉप थी, सबसे पहले मेरा था आप लोगों को ये दिखाती हूँ। बेसिकली छोटे बच्चियों के लिए ये एयरिंग्स लाइक स्टड्स और साथ पेंडेंट्स थे। अच्छा, ज़ैनब के अभी तक मैंने कान नहीं करवाए हुए छिदवाए हुए, तो मेरा इंशाल्लाह ताला प्लान है कि आई गेट समथिंग फॉर हर, उसकी सेकेंड बर्थडे पर करवाऊँगी। बिकॉज जब छोटी थी कहते हैं तब करवा लें, बट तब उस्मान नहीं माने थे। उसके बाद थोड़ा सा बच्चों को आदत होती है ख़ुद कान खींचने की, तो उस टाइम पे वैसे कहते हैं कि नहीं करवाएं। तो अब आई थिंक दो साल में बच्चा ज़रा सेंसिबल सा हो जाता है, एटलीस्ट सेल्फ कंट्रोल उनमें इतना होगा, उनको पता होगा कि अगर मैं कान खींचूँगा तो मुझे दर्द होगी। तो इस वजह से मेरा यही प्लान है कि उसकी सेकेंड बर्थडे के अराउंड आई डू समथिंग लाइक दिस। एनी वेज, पहले भी आई थिंक मैंने ये बात शेयर की हुई है कि रियाद, बिकॉज इट्स लाइक टू बिग। सऊदीया के पास इन जनरल सऊदी अरबिया में लैंड बहुत ज़्यादा है और एग्रीकल्चरल भी उस तरह से बड़ा लिमिटेड सा है, तो उनके पास जैसे तो जो मुल्क होते हैं जिनके पास लैंड थोड़ा है, तो उधर मॉल्स लगा ले, बिल्डिंग्स लगा ले, वो लाइक ज़्यादा फ्लोर्स वाली होती हैं। बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिप मॉल्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत लंबे लंबे, एक जगह से शुरू हो दूसरी जगह तक जाते हुए वैसे ही आप थक जाते हो। बट ये मॉल एक तो मुझे प्यारा बड़ा लग रहा था। ग्रेनाडा ना बड़ा बेसिक सा मॉल है, उसमें कुछ एस्थेटिकली उस तरह से चीज़ नहीं बनी हुई। बट अदर देन दैट मैं जितना जैसे नखील मॉल एक गई थी वो बहुत इस तरह से प्यारा बना हुआ था। तो उसके बाद ये मॉल रियाद गैलरी मुझे बड़ा प्यारा सा लग रहा था। इनडोर में उन्होंने जो आउटडोर की लुक दी होती है ना, दैट्स वेरी रिफ्रेशिंग। और वैसे भी बिकॉज समर्स में आप उस तरीके से एक्चुअल वाले आउटडोर में कुछ कर नहीं सकते, तो उसमें ये इनडोर वाली इनडोर में ही आउटडोर की लुक ना बड़ी सही रहती है। खैर, एक और चीज़ ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, साथ साथ तो चलें शॉपिंग और मॉल्स शॉप्स देख ही रहे हैं, कि एक बड़ा प्यारा मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है हर दफ़ा जब भी मैं माशाल्लाह से हज पे जाती हूँ, उमरा पे जाती हूँ, और आप लोगों में से जो भी कभी जाएगा आई थिंक वो शायद इस चीज़ पे अग्री करेगा, कि जब आप अल्लाह पाक के घर होते हो ना और आपके दिल में कोई ऐसी चीज़ कि आपका दिल कर रहा है, एक बहुत छोटी एग्जांपल मैं देती हूँ इस चीज़ की, कि आपका कुछ खाने का या कुछ पीने का दिल कर रहा है, एंड एक्चुअली मैं दिल कर रहा है, आप यकीन करें आउट ऑफ नोवेयर अल्लाह पाक का ये करना है कि आपको वो चीज़ मिल जाती है। और ये मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है, लाइक एक जेन्युइन, एक तो हम कहते हैं ना कि अल्लाह पाक के पास जाके अपने दुआ करनी है, वो चीज़ तो है ही है। वो हमें नहीं पता कि अल्लाह पाक वो हमारे लिए अच्छी है बुरी है, बट एक जो छोटी छोटी हमारी ख्वाहिशें होती ना, कि जैसे आई स्टिल रिमेंबर जब अराफात का दिन था, तो मैंने बताया था कि मैं बाहर बैठ के ना दुआ मांग रही थी। तो अच्छा, बाहर ऑब्वियसली उस दिन बहुत सख्त गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, और बस एक बंदा अपने उसमें बैठा होता है, एंड मैं लाइक दुआ मांग के मैंने एक दफ़ा बैठी हूँ, और आई जस्ट लुक्ड टू माय लेफ्ट, और जिस साइड पे किचन कह रही हूँ जो फूड एरिया था, तो मैं वैसे ही मैंने कहा है यहाँ लाइक ठंडा पानी इधर ला के वो दे दें कोई, ऐसे रैंडमली ना, एक मैंने मुँह से भी नहीं बोला, एक मेरे सिर्फ दिल में ये ख्याल था। आप यकीन करें उसके बाद दोबारा मैंने ऐसे जानवाज की तरफ मुंह करके बैठ गई हूँ, और दो मिनट बाद ना मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखे, मैंने देखा तो देयर वाज दिस अरबिक वुमेन ही जिनको मैं मिली थी जब हमारा हज के लिए जिस हॉल में हमने इकट्ठे होना था, तो वो मेरे पास आई थी, शी वाज लाइक यू लुक अ लॉट लाइक माई मदर, शी सेड ऑल दैट इन अरबिक, बट इतनी समझ मुझे आ गई थी तो मैं उनसे यही कहती रही कि माफ़ी अरबी, लाइक मुझे अरबी नहीं आती। तो खैर, शी वाज लाइक जिस कैफिल हाल पूछने लग गई, एंड आई वॉज लाइक जितनी मैं जो एक दो लफ्ज़ में समझाना चाह रही थी वो समझाया, एंड देन शी हैंडेड मी द वाटर बॉटल, और वही लिटरली चिल्ड पानी की बोतल नहीं होती, और मैंने अल्लाह पाक का इतना शुक्र अदा किया, और मुझे रोना भी इस चीज़ का आया कि मैं इतनी गुनाहगार, लिटरली मैं अल्लाह पाक का मेरे ऊपर अल्लाह पाक का कदम है, वरना एक गुनाहगार बंदी, और अल्लाह पाक ने मेरी जो चीज़ मैंने बोली भी नहीं, अल्लाह पाक ने मेरी भी ये बात सुन ली। इसी तरह एक दफ़ा दोबारा ये चीज़ हुई कि हम हरम शरीफ में ही थे, हरम शरीफ लाइक हम मक्का टावर में थे और खाना खाने लगे थे, जब मुझे जो इनकी फ़िश है ना उसके साथ फ्राइज़ मज़े के लगते हैं, बट बिल्कुल थोड़े थोड़े, और इट्स नो बिग डील, मैंने उसके साथ फ़िश को ऑर्डर दिया तो मैं उनको फ्राइज़ भी कह दूँ। अच्छा, मैं ऑर्डर दे के पीछे होके खड़ी होगी, बड़ा थके हुए थे,
मैंने तक मैंने अब इनको फ्राइज़ करे तो बनाएंगे, टाइम लगेगा, तो मैंने कुछ पीना नहीं कहा. मैंने कहा अल्लाह, बस जैसे अपने दिल में नहीं कहता कि इसके साथ फ्राइज़ भी होते, दिल में ये चीज़ सोची है. आप यकीन करें, खाना लेके मैं टेबल पे पहुंची हूँ और जब हमने वो खोला, बॉक्सेस खोले सुफरा बिछा के, तो चावल, हालांकि हमेशा वो चावल और उसके ऊपर ही फ़िश के पीसेस रख देते हैं, बट इस दफ़ा उन्होंने क्या किया हुआ था, चावल अलहदा थे. जब मैंने फ़िश वाला बॉक्स खोला तो उसमें फ़िश एंड साथ फ्राइज़. और आप लिटरली आप यही सोचते हो कि अल्लाह पाक ये चीज़ें तो मैंने कही भी नहीं. वो फिर जब बाकी आप कहते हो ना कि अल्लाह पाक आपके इतने करीब हैं, आप जो चीज़ सिर्फ सोचते हो वही अल्लाह पाक आपको दे, लाइक सुन लेते हैं, तो खुशी भी होती है बहुत ज़्यादा. और अपने पर गुनाह कह रही हूँ, अपने गुनाहों पर रोना भी आता है कि यार अभी मैं इतनी गुनाह करूँ, अल्लाह पाक मेरी ऐसे सुन लें. तो अगर इंसान आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करे अपनी बुरी आदतों को, लाइक गुनाहों से बचने की अभी भी कोशिश करती हूँ, ये चीज़ नहीं है, बट स्टिल इंसान गलतियाँ तो लाइक इम्पॉसिबल है ना करे, फरिश्ता इंसान बन ही नहीं सकता. बट फिर भी बड़ा ये मेरा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. और आई एम श्योर आप लोगों के भी जो जो आप में से इधर उमरा पे या हज पे आया हुआ है, उनके ज़रूर ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे और बड़ा मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है. तो खैर एनीवेज, इसके बाद अब आ गए थे हम लोग जो फूड कोर्ट है उधर नीचे. ऑब्वियसली घूम घूम के आप ज़्यादा थक जाते हो. और मैं उस्मान यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि आप जितना भी जितने भी लाइक जगह पे चले जाओ ना, मैकडोनल्ड्स इज़ वन प्लेस के जहाँ पे लाइन लगी होती है, ऑर्डर के लिए भी, ऑर्डर डिलीवरी के लिए भी. इवन जब आप कहीं पेट्रोल पंप पे रुको, अगर मैकडोनल्ड्स हो ना उस पे ड्राइव, तो ड्राइव थ्रूज में इससे रश होता है कि उससे ज़्यादा होता है कि आप अंदर जाके दे लो. और इस दफ़ा तो जब हज पे जाते भी हम रुके थे तो बहुत रश था. खैर आज जस्मान कहते हैं बर्गर किंग ट्राई करते हैं फॉर अ चेंज. मुझे मैकडोनल्ड्स एक वो बड़ा कंफर्ट फूड लगता है और ऑलवेज से सेफ ऑप्शन. बट एक वो चीज़ होती है ना कि चलो कुछ नया भी ट्राई कर लो, बिकॉज आई रिमेंबर मैंने बर्गर किंग लास्ट टाइम पाकिस्तान में ही ट्राई किया हुआ था, बहुत पहले जब स्टार्ट में आया था पाकिस्तान में, और बड़ा एक वो चीज़ हाइप होती थी. बट तब भी मैं, बिकॉज मुझे ना इतने बड़े बड़े बर्गर्स, आई एम नॉट अ फैन ऑफ देम. तो खैर स्टिल फॉर अ चेंज इट वॉज गुड. हमने जो इनका होता है आई थिंक स्विस मशरूम समथिंग लाइक दैट, वो ही ऑर्डर किया था. और फिर जब आप खाना खा लो तो आई थिंक उसके बाद वैसे ही इंसान में ना हिम्मत नहीं रहती, और जहनों की भी अब बस हो गई थी. बिकॉज अब फिर इसका ये होता है कि मुझे स्टोलर से निकाल दो, मुझे या तो चलने दो, और अगर इसको चलने के लिए छोड़ो तो फिर इम्पॉसिबल होता है कि इसको पकड़ना. हालाँकि ऑब्वियसली शुक्र अल्लाह पाक का इस लिहाज से जगह सेफ होती हैं कि कोई आपको ये नहीं डर होता कि इधर उधर होली चली जाएगी. बट ऑब्वियसली छोटी बच्ची है, मुझे सबसे ज़्यादा एस्केलेटर्स का डर होता है, बिकॉज ये भागती भी उस तरफ है, इसको कुछ अट्रैक्शन उस तरह की हो रही होती है, तो हमेशा इसका कोशिश होती है कि उस तरफ को भागे. तो बिल्कुल मैं इसको छोड़ तो देती हूँ बहुत दफ़ा, लाइक आई लेट हर वॉक और रन, बट एक बड़ा एक सेफ डिस्टेंस रखती हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह की जगह को भागे तो मैं फ़ौरन इसके पास पहुँच जाऊँ. खैर इसके बाद बस हम पार्किंग की तरफ ही जा रहे थे, और मैंने आगे जो है उसमें वॉइस ओवर एज सच नहीं किया, बिकॉज एक तो शाम का मौसम था, बिल्कुल वो जो सनसेट वाला टाइम होता है तो बहुत प्यारा मुझे लग रहा था. तो मेरा था कि साथ मेरे आज आप लोग भी वो देखें सुकून से, थोड़ा सा आपको याद देखें, मज़ा आएगा आप लोगों को भी. तो मेरी तरफ से बस यहाँ तक ही. आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज मेरा भय कि बस मेरा चैनल वायरल हो जाए. एनीवेज अल्लाह खैर करे वो भी हो जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. Thank you.
Thank you.